एक ही प्लूरल है और दूसरा प्रोनाउन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इन वर्ड्स को समझने से पहले हमें इन दो वर्ड्स का समझना जरूरी है कि प्लूरल किसको बोला जाता है और प्रोनाउन किसको बोला जाता है। प्लूरल जो होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स को प्लूरल बोला जाता है और एक को सिंगुलर बोला जाता है। सिंगुलर होता है एक, और प्लूरल जो होता है एक से ज्यादा। सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वो वर्ड प्रोनाउन उस वर्ड को बोला जाता है जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड को प्रोनाउन बोला जाता है। इसके बाद जो हमारे नीचे वर्ड्स हैं आपके पास, वो है सिंगुलर और प्रोनाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, आई, आई सिंगुलर है और इसका प्लूरल जो आएगा वो आएगा वी। आई का क्या आएगा? वी। आई होता है मैं और वी होता है हम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है माई। माई होता है मेरा। माई क्या होता है? मेरा। एंड आवर्स, आवर होता है हमारा। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, माई क्या होता है? मेरा। एंड आवर होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है मी, एम ई मी। मी होता है मुझे और इसका प्लूरल फॉर्म जो आता है वो आता है अस। अस होता है हमें। ठीक है, मी होता है मुझे और अस होता है हमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है माइन, एम आई एन ई, माइन। माइन होता है अपना और इसका प्लूरल फॉर्म जो आएगा वो आएगा आवर्स। क्या आएगा? आवर्स। आवर्स होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है ही। ही होता है वो। ही क्या होता है? वो। उसके बाद दे, इसका प्लूरल फॉर्म आएगा और दे होता है वो सारे। वो सारे, दे, प्लूरल फॉर्म ऑफ ही। उसके बाद हिम। हिम जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म आएगा देम। इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? देम। हिम होता है इसे और देम होता है उन्हें। देम क्या होता है? उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है हिज। हिज होता है इसकी और इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो है दियर। दियर होता है उनकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो है शी। शी होता है वो, जिसको हम लड़की के, गर्ल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहां पे था ही। ही जो होता है वो बॉयज के लिए इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। और शी किसके लिए इस्तेमाल होता है? लड़की के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दे होता है इसका प्लूरल फॉर्म, वो है वो सारे। शी और इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? दे, मतलब वो सारे। उसके बाद हर। हर होता है इसे। हर का प्लूरल फॉर्म ऑफ इसका क्या आएगा? दियर। दियर होता है उनकी। दियर क्या होता है? उनकी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हर्स, एच ई आर एस, हर्स। हर्स का प्लूरल फॉर्म जो आएगा वो आएगा दियर्स। क्या आएगा? दियर्स। दियर्स होता है उनकी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है आपके पास, नेक्स्ट जो है आपके पास वो है माई सेल्फ। माई सेल्फ होता है खुद और आवर सेल्फ होता है खुद ब खुद। ठीक है, माई सेल्फ का प्लूरल फॉर्म जो आएगा वो आएगा आवर सेल्फ, खुद ब खुद। उसके बाद योर सेल्फ। योर सेल्फ होता है अपने आप। उसके बाद इसका जो प्लूरल फॉर्म आएगा वो आएगा योर सेल्फ, अपने आप से, अपने आप को। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म किसका? योर सेल्फ का प्लूरल फॉर्म आएगा योर सेल्फ। उसके बाद हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का प्लूरल फॉर्म आएगा देमसेल्फ।
themselves, himself होता है खुद और themselves होता है खुद ब खुद. herself, herself होता है खुद और इसका प्लूरल फॉर्म आएगा themselves, themselves भी होता है खुद ब खुद. इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.